मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बताना चाहेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर में जो केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीमर। पॉलीमर को हिंदी में बहुलक कहते हैं। ये जो पॉलीमर शब्द है ये दो ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द पाली एवं मर से बना है। पाली का अंग्रेजी अर्थ मेनी है और हिंदी अर्थ बहुत है, तथा मर का अंग्रेजी अर्थ यूनिट है, हिंदी अर्थ इकाई है, या मर का अर्थ अंग्रेजी अर्थ पार्ट है और हिंदी अर्थ भाग है। तो व्हाट इज पॉलीमर, बहुलक क्या है, बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, और ये जो बहुलक है इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उपयोग हैं, क्या एडवांटेज हैं, इन्हीं सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पॉलीमर इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल। पॉलीमर इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल। पॉलीमर इज माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, अर्थात बहुलक उच्च अणुभार वाले बृहद अणु है। बृहद यानी बड़े अणु है। बहुलक का निर्माण एक लक से होता है, एक लक जिसको कि अंग्रेजी में मोनोमर कहा जाता है। एक लकों के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है। ये एक लक यानी मोनोमर क्या है, ये सरल अणु है, सिंपल मॉलिक्यूल है। वास्तव में जो एकलक है ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल का अर्थ है सूक्ष्म अणु, और माइक्रो मॉलिक्यूल का अर्थ है बृहद अणु, बड़ा अणु। तो बहुलक को हम परिभाषित करें तो कहेंगे एक लकों के आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ने पर जो चीज प्राप्त होता है उसे बहुलक कहते हैं। आजकल
यदि हम कहें तो बहुलक का जमाना है, पॉलीमर का युग इस समय चल रहा है, हमारे चारों तरफ पॉलीमर ही पॉलीमर है। जैसे खिलौना, ये हमारा मार्कर, प्लास्टिक, रेडियो का बॉडी, टीवी की बॉडी, मोबाइल की बॉडी, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की जो चीजें, ये प्लास्टिक जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पॉलीमर हैं, बहुलक है। बहुलक मैक्रोमालिक्यूल होते हैं, सभी बहुलक, सभी पॉलीमर मैक्रोमालिक्यूल होते हैं, किंतु सभी मैक्रोमालिक्यूल बहुलक नहीं होते। ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमालिक्यूल्स, बट ऑल मैक्रोमालिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। जैसे प्रोटीन एक मैक्रोमालिक्यूल है, इसकी कोई रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है। ये मैक्रोमालिक्यूल है प्रोटीन, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, इसको पॉलीमर नहीं मानते, या कुछ लोग जब मानते हैं तो उसको नेचुरल पॉलीमर कह देते हैं। पॉलीमर का जो वर्गीकरण किया गया है वो कई आधार पर किया गया है, जैसे स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, संरचना के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी बहुलकों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया गया है। अब यदि हम स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण करें तो ये जो बहुलक है, पॉलीमर है, ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, इसको हिंदी में प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक। और दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। इसका हिंदी अर्थ है संश्लेषित बहुलक। बहुलक इसको आर्टिफिशियल पॉलीमर भी कहते हैं, कृत्रिम बहुलक भी कहते हैं। तो आइए देखें ये प्राकृतिक बहुलक क्या है। प्रकृति में पाए जाने वाले, नेचर में पाए जाने वाले बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में, हमारे पेड़ पौधों में, हमारे जंतुओं में, जो हमारे चारों ओर हैं, उनमें नेचुरल पॉलीमर
पाया जाता है ये प्रकृति बनाती है। जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ये नेचुरल पॉलीमर है। प्राकृतिक रबड़ होता है, नेचुरल रबड़, ये भी प्राकृतिक बहुलक है। कुछ बहुलक मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मैन मेड पॉलीमर इज कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर को हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर बहुत से हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीब्यूटाडाइन, कृत्रिम रबड़ इत्यादि, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी है। तो ये सभी संश्लेषित बहुलक हैं। सिंथेटिक बहुलक मीन्स मैन मेड पॉलीमर। इसी प्रकार अन्य आधार से यदि हम बहुलक को वर्गीकृत करें, विभाजित करें, तो एक प्रकार में आता है सह बहुलक, एक होता है सम बहुलक और एक होता है सह बहुलक। सम बहुलक और दूसरा होता है सह बहुलक। सम बहुलक को अंग्रेजी में होमो पॉलीमर कहते हैं और सह बहुलक को अंग्रेजी में को पॉलीमर कहते हैं। अब आइए देखें ये सम बहुलक क्या है। ऐसा बहुलक जो एक ही प्रकार के एक लकों के जुड़ने से बनता है, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन इज ए होमो पॉलीमर, क्योंकि पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन से होता है। एथिलीन के काफी संख्या में मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और सम बहुलक का निर्माण हो जाता है, पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार सह बहुलक में है, सह बहुलक में जो एकलक होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे SBR स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये सह बहुलक है। इसका निर्माण करने के लिए दो प्रकार के मोनोमर यानी एकलक होते हैं, एक होता है स्टाइरीन और दूसरा होता है ब्यूटाडाइन। अब आइए जरा देखें कि ये पॉलीथीन कैसे बनता है। पॉलीथीन का रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट कहें या इसका जो यहां पर मोनोमर है वो एथिलीन होता है। ये एथिलीन है, एथिलीन। एथिलीन को हम मोनोमर कहेंगे, एक लक कहेंगे, एक लक मोनोमर। एथिलीन के काफी संख्या में जो अणु हैं, मान लिया यन अणु, यहां यन का मान
सौ से लेकर के लाखों तक होता है। एथिलीन के मान लिया लाखों, इनको जब हम गर्म करेंगे तो ये बनाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से यहां ये चीज N बार रहेगी। ये पॉलीथीन है और ये बहुलक है, पॉलीमर है। एकलक से बहुलक बनने की क्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन जिसकी हिंदी है बहुलीकरण या बहुलकीकरण। एकलक जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कंपाउंड, प्रत्येक यौगिक अणुओं से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल में कंपाउंड सारे प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे हम एथिलीन का एक मॉलिक्यूल ले लें तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एथिलीन के सारे प्रॉपर्टी होते हैं, सारे फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, सारे केमिकल प्रॉपर्टी। एथिलीन इज ए सिंपल मॉलिक्यूल, एथिलीन इज मोनोमर, बट पॉलीथीन इज पॉलीमर। ये जो मोनोमर होते हैं ये बहुत छोटे छोटे अणु हैं। ये जब अणु आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से, सहसंयोजक बंध से जब ये अणु जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा अणु बनता है। उस बड़े अणु को बृहद अणु कहते हैं, अंग्रेजी में लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है यही पॉलीमर है, यही बहुलक है। पॉलीथीन को पॉलीएथिलीन भी कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य बहुलक बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉलीमर है। इसमें विनाइल क्लोराइड जो है वो एकलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग पाइप बनाने में, जो पाइप बनते हैं, और भी बहुत से उपयोग हैं, जैसे टेलीविजन की बॉडी बनाने में भी पीवीसी का प्रयोग करेंगे, खिलौना बनाने में भी पीवीसी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक पॉलीमर है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इसको PTFE भी कहते हैं, PTFE पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। टेफ्लॉन बनाने के लिए टेट्रा फ्लोरो एथिलीन चाहिए और टेट्रा फ्लोरो एथिलीन मोनोमर है, एकलक है, और लेकिन टेफ्लॉन जो है ये पॉलीमर है, बहुलक है। बहुलक के और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीब्यूटाडाइईन और नायलॉन 66, ये भी पॉलीमर है।
इसी प्रकार पाली आइसोक्रीन और भी कई टाइप के पॉलीमर हैं। नायलॉन का प्रयोग धागा बनाने में, डोरियों को बनाने में, यानी आजकल एक तरह से मैंने पहले कहा कि आजकल पॉलीमर का एज है, पॉलीमर का जमाना है, हर चीज पॉलीमर से बनाए जा रहे हैं। तो इसकी कड़ी में हम कुछ और पॉलीमर के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे एक होता है बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर, इसको हिंदी में जैव अपघटनीय बहुलक कहते हैं। ये जो जैव अपघटनीय बहुलक होता है, यह छोटे छोटे जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा टूट करके सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमारे वातावरण में प्रदूषण नहीं करता है, पॉल्यूशन नहीं करता है। लेकिन एक जो दूसरा प्रकार का पॉलीमर है, नॉन बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसे हिंदी में कहते हैं अजैव अपघटनीय बहुलक। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, अजैव अपघटनीय बहुलक है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा विभाजित नहीं होता है, सरल अणुओं में नहीं टूटता है। इसके द्वारा हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैलता है, प्रदूषण फैलता है। आजकल वैज्ञानिक इस समस्या को हल करने के लिए कार्यरत हैं, अभी तक पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। तो बच्चों, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बहुलक कैसे बनता है। एक लकों को अंग्रेजी में मोनोमर्स। एकलक क्या है? सरल अणु, सिंपल मॉलिक्यूल, इनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होता है। एकलकों के जुड़ने से बहुलक बनता है। एकलकों के जुड़ने से बहुलक पॉलीमर बनता है।